मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। तो कल लगभग इसी समय में आप तस्वीरें देख रहे होंगे राष्ट्रपति भवन से सीधे, जब शपथ ग्रहण समारोह वहां पर शुरू हो चुका होगा। 7:15 का समय है, 9 जून की तारीख दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद चर्चा इस बार यह है कि टीम मोदी में इस बार कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कौन कौन से वो चेहरे हैं वो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा प्रबल दावेदारों में ये नाम शामिल हैं। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी इस लिस्ट में है। वीरेंद्र खटिक का नाम है। बीडी शर्मा तो है ही, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और एक महिला सांसद को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। रतलाम से नीता नागर सिंह चौहान जीती हैं 2,07,000 वोटों से। भारती पारधी पार्षद थी, सांसद बन गई हैं, अब करीब 2.5 लाख वोटों से जीती हैं। इसके अलावा संध्या राय दूसरी बार जीतकर आई हैं, 64,000 वोटों के आसपास उनकी जीत रही है। लता वानखेड़े 4,77,000 वोटों से जीती हैं। हिमाद्री सिंह भी यहां पर बड़ी जीत से आई हैं, 3,97,000। सावित्री ठाकुर धार से एक बार फिर एमपी बनी हैं, 2,18,665 वोटों से जीती हैं। तो ये तमाम वो महिलाएं हैं बीजेपी की जो अब सांसद बनी है, और इनमें से एक महिला को दिल्ली में मोदी कैबिनेट पर जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस वृद्धि की जानकारी देने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब प्राइवेट स्कूलों को 24 जून तक जानकारी देनी होगी। इससे पहले 8 जून तक बढ़ी हुई फीस की जानकारी देनी थी। स्कूलों को फीस वृद्धि के पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड करनी है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जबलपुर की रहने वाली छात्रा अमीशी वर्मा की ओर से एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। इसके बाद दायर याचिका में नीट परीक्षा 2024 में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्र अमीशी वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसने भी नीट 2024 की यूजी परीक्षा दी थी और उसे 720 में से 615 अंक हासिल हुए हैं, जबकि उसे 700 से भी ज्यादा नंबर मिलने की उम्मीद थी। याचिका में हवाला दिया गया है कि कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों के नाम और रोल नंबर एक समान दिए गए हैं। 3 को पार्टी बनाया है मैंने, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और इस पिटीशन में मैंने इन सभी के खिलाफ अपनी याचिका में प्रेयर की है कि या तो रीटेस्ट किया जाए या इसकी हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए कि हाई लेवल इंक्वायरी करके पूरे रिकॉर्ड्स कॉल किए जाएं और जहां तक एडमिशन्स हैं वो एडमिशन पे स्टे किया जाए कि किसी भी बच्चे को एडमिशन ना दिया जाए। भोपाल में नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में एनएसयूआई सड़क पर उतरी और प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। इसके साथ ही दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी उठाई। देखिए, जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है नकली मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री मध्य प्रदेश को भोपाल को माना जाता था, आज इसी प्रकार का घोटाला जो है नेशनल एग्जाम सेंटर दिल्ली पहुंच गया है, जहां पर एनटीए जो एक एग्जाम कराने वाली प्राइवेट संस्था है उसके द्वारा नीट का एग्जाम कराया गया। उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही एग्जाम हुआ उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पे जो उसका पर्चा पेपर लीक हो गया और वो सोशल मीडिया पे पूरे पे आ गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। सरकार चुनाव में लगी हुई थी कि किस प्रकार से चुनाव जीता जाए,
उसके बाद जब परिणाम स्वरूप परिणाम आते हैं तो एक ऐसे दिन परिणाम निकाला जाता है जिस दिन हमारे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है इस धांधली को दबाने के लिए। लेकिन ये धांधली नहीं दबी क्योंकि जब छात्रों को पता चला कि 720 में से 719 718 सैकड़ों छात्रों के नंबर आए हैं जो कि किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो जो पढ़ने वाले छात्र थे उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम उठाने शुरू करे, तब ये मामला उठा और आज ये इतना बड़ा मामला है कि मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया, जिसमें नकली जो है डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करोड़ों रुपए लेके NTA जो है लेकर और नकली डॉक्टर बनाने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि NTA की और नीट के एग्जाम की जो है CBI जांच कराई जाए और जो दोषी उनको कड़ी कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़े जो पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको मौका देने के लिए फिर से उनके। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर्चा लीक मामले में जांच कर रही इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा हुआ है कि अक्षय बम के कॉलेज से ही MBA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था। पुलिस ने बताया कि 2000 रुपए से लेकर 500 रुपए में पेपर लीक की डील हुई थी। इस खुलासे के बाद कॉलेज की मान्यता DAVV समाप्त कर सकता है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल और अक्षय कांति बम से भी पुलिस पूछताछ करेगी। फिलहाल पर्चा लीक मामले में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कई जिम्मेदारों पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ के बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कांग्रेस ने अक्षय कांति बम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में सख्ती से पूछताछ करने की मांग की है। टेक्निकल एक्सपर्ट टीम है वो उन सभी मोबाइल्स को लेकर के चेक कर रही है। अभी तक इन्हीं 3 लोगों के मोबाइल हमारे कब्जे में आए हुए हैं। कुछ और सोर्सेज हैं क्योंकि आज यूनिवर्सिटी बंद है, इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, तो वो सोर्सेज भी अभी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारी टीम पीछे लगी हुई है और फॉलो कर रही है। वो पेपर लीक हुए उसकी कीमत क्या थी पेपर की? और एक अलग अलग किरदार जो है वो उसकी कीमत बता रहे हैं। उसका जो मूल व्यक्ति है वो लगभग 4-5 हज़ार की कीमत बता रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का PHE घोटाला बड़ा रूप लेता जा रहा है। 84.92 करोड़ का घोटाले की फाइनल जांच में लगभग 70 और नाम सामने आए हैं। इनके खिलाफ भी पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने जा रही है। ये घोटाला फर्जी बिलों को लेकर है जिसमें नगर निगम और PHE के बड़े अधिकारियों ने मिलकर इसे अंजाम दिया। हालांकि इस घोटाले में 2 PHE के इंजीनियर सहित 6 लोग जेल जा चुके हैं। आने वाली रिपोर्ट्स के बाद कई और लोगों पर गाज गिर सकती है। इस मामले में अंतिम रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते तक वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद कई और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। अब जानते हैं कि क्या है PHE विभाग से जुड़ा ये घोटाला। PHE विभाग में फर्जी बिल का मामला, फर्जी बिल बनाकर भुगतान किया गया। 2018-19 से 2023-24 तक फर्जी बिल भुगतान किया गया। 18 करोड़ 92 लाख रुपए का भुगतान किया गया, सब फर्जी था। 27 जुलाई 2023 को घोटाला सामने आया। 2011-12 में भी ये फर्जी बिल का भुगतान किया गया था। 84 करोड़ 92 लाख का फर्जी बिल का भुगतान किया गया था, यानी कि बिल फर्जी थे लेकिन उनकी पेमेंट की गई। 2011-12 में भी ऐसा हुआ था और 2018-19 से लेकर 2023 और 2024 तक भी एक भुगतान किया गया। कहां पहुंची है जांच? घोटाला उजागर होने के बाद जांच के आदेश, PHE और वित्त विभाग ने जांच की। 81 बैंक अकाउंट से यह भुगतान किया गया। 65 खातेदार, 9 अधिकारियों को पैसा भेजा गया। कुल 74 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वेतन PHE से और काम कहीं और से कर रहे थे। अपराध शाखा में वर्ष 2023 में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें PHE के खंड कार्यालय में जो बिलों से संबंधित अनियमितताएं थी उससे रिलेटेड क्राइम था ये, जिसमें हम PHE से और ट्रेजरी से दोनों से बिल मांग रहे हैं, दस्तावेजों का संकलन कर रहे हैं और जिन लोगों के नाम से बिल तैयार हुए थे उनको बुला के उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, ये बड़ा घोटाला है और जाहिर तौर पर जब जांच अब आगे बढ़ेगी तो उस घोटाले की परत दर परत खुलासा होगा, कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर कहें तो ग्वालियर की नगर निगम की PHE शाखा में जो घोटाला था वो पिछले साल 27 जुलाई 2023 को पकड़ में आया था। इसमें ये खुलासा हुआ था कि PHE के अधिकारी कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से 81 खातों में करीब 18 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया है। ये भुगतान वेतन सहित अन्य मदों के द्वारा किया गया था।
और दरअसल ये घोटाला 2018 से 2022-23 के बीच का बताया जा रहा था, लेकिन जब इस मामले की और जांच आगे बढ़ी तो इसमें कई जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ई है वो जेल जा चुके हैं, इसके अलावा और भी कई कर्मचारी जो है उनकी मिलीभगत इसमें सामने आई है। तो 70 ऐसे लोग और चिन्हित किए गए हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, आने वाले समय में इन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि ये घोटाला अब 2018 से 19 से नहीं बल्कि 2011-12 से ही सामने आया है। तो अब इसमें जो जांच कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम, उसने PHE विभाग से 2011-12 से लेकर 2018-19 तक के और वेतन भुगतान सहित अन्य दस्तावेजों कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसमें और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इंदौर नगर निगम की बात करते हैं, जहां कांग्रेस ने सरकारी बोरिंग में घोटाले के आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि 5500 से ज्यादा सरकारी बोरिंग में 65 करोड़ रुपए का जी पाइप घोटाला हुआ। पार्टी के मुताबिक एक ही फर्म को बोरिंग की मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश यादव का आरोप है कि निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से पिछले 5 साल में बदले गए पाइप चोरी से बेच दिए गए। राकेश यादव का आरोप है कि कार्यपालन मंत्री संजीव श्रीवास्तव, अपर आयुक्त, ठेकेदार सहित 15 लोगों ने मिलकर गबन किया है। मामले की लोकायुक्त और EOW से शिकायत की है। रायसेन में बिजली पानी की समस्या को लेकर नाराज ग्रामीण महिलाओं और रहवासियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने जमुनिया उचेहरा में चक्का जाम किया, जिससे भोपाल सिलवानी मार्ग पर दोनों ही तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। इस भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी से जिम्मेदार बेखबर है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं हुआ। आइए अब देखते हैं।